हमेशा ही डॉक्टर जखने क्यों फॉलो करते हो आपकी बातों से ही आपका जवाब मेरे मुंह से निकल रहा है आप बोल रहे थे डॉक्टर जाकिर नाइक वो डॉक्टर होकर भी वो डॉक्टर ही नहीं करता सिर्फ लोगों का किस्मत कर। करता लोगों का दावा देता है दावत करता है देखिए आप बोला है वो डॉक्टर उसका काम है डॉक्टर उसने जो पढ़ाया कि वो भी डॉक्टर ही कहा मगर ये सब एक बीच में रखकर एक सेट में रखकर वो पूरी दुनिया को दावत दे रहा है इस्लाम का दुनिया में मैं समझता हूं, कुछ लोग ऐसे भी कम हो गए जिसने इस्लाम ही बढ़ा है ऐसा कहकर मैंने उसके हर वीडियो में देखे वो ये प्रूव करना चाहता है दुनिया में सबसे ज्यादा जो धर्म है सबसे ज्यादा जो अच्छा है वो है इस्लाम धर्म डॉक्टर जाकिरना के सर आपने देखी होंगी ये तो मैंने नहीं देखा मगर आप जानते होंगे जरूर उसके हर डिबेट में देखेंगे क्योंकि वो इस्लाम की तरफ ही नहीं बहुत सारी मज़हबों की किताबों में फॉलो करते हैं जैसे कि हिंदू किताबों के मुतालिक बोलता है पारसी मजहब की किताबों में क्रिश्चियन चाहे जूस हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे क्रिश्चानिटी हो हर मज़हब की किताब का मालूम होता है जैसे कि बुद्धिज़्म सब किताबों का मालूमत डॉक्टर जाकिरनाब के पास है। हर कोई डॉक्टर जाकिरनाब साहब से जाकर पूछते हैं कि मुझे ये सवाल है मुझे इसका जवाब डॉक्टर जाकिर नायब बिना सोचे हुए फटाफट उसका सवाल और जवाब दे, दे देते बिना डाउट तो एक डिबेट हुआ था दो हजार में वो सीधी सीधी रविशंकर उसका नाम है हिंदू का बहुत बड़ा स्कॉलर है तो श्री श्री रविशंकर के साथ एक डिबेट हुआ था जिसका मौजू हिंदू एंड इस्लाम के बारे में उसमें भी डॉक्टर जाकिर नाब के जो आप सबसे हाथ करता डॉक्टर जाकिर नाब की एक बात और भी है कि वो दलील के बाहर बात नहीं करते दलील के बाहर जवाब नहीं देते जो भी डॉक्टर जाकिर नाफ साहब जवाब देता है वो दलील के अंदर है, होती है रिफारेंस होती है उसके मुंह से रिफारेंस आती है क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ ये किताबों की बात है वो किताबों के बाहर नहीं बिके बा, उसकी जो दलील होता है वो सामने होती है इसीलिए तो पूरी दुनिया में जाकर वो दावा देता है कोई भी लोग कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि ये आपका जो रिफारस था बाशिश ये गलत है क्योंकि वो दलील देखे ही बोलता है शा, शाह के लोग उस दलील को घर में जाकर के ही लाइब्रेरी में जाकर ढूंढ सके हाँ ये बात तो ऐसे ही हो गई उसमें भी डॉक्टर डॉब की डिबेट मुझे बहुत अच्छा लगा फिर उसके अगले एक डिबेट हुआ था वो 2001 में जिसका साथ वो क्या बोलते है डॉक्टर उलिंग केम्बेल उलिंग केम्बेल डॉक्टर मोरिश बुकेल की एक किताब लिखी है डॉक्टर मोरिश बुकेल एक ईसाई था वो भी उसने एक किताब लिखा जिसका नाम है दे कुरान एंड बाइबल्स ऑफ साइंस तो डॉक्टर उलिंग केम्बल को ये डाउट सा लगा है कि मुझे डॉक्टर मोरिश के डॉक्टर मोरिश की किताबों में कुछ कमियां नजर आ रही है इसलिए डॉक्टर उलिंग केम्बेल स्टडी कर रहा था और देख रहा था कि इसमें ये ये है तो डॉक्टर उलियन किम्बल सोच रहा था कि अगर कोई है जो मुझे इसका सामने में सामना करने में मदद कर सके और नहीं तो कोई ऐसा इंसान होगा जिसका जवाब किसी ना किसी के पास होगा इसलिए वो पूरे दुनिया को बोल रहा था कि कोई है तो मुझे इस सवाल और जवाब कांसर था देने के लिए आइए तो ये बात डॉक्टर जाकिर ने सुने सुनने के बाद डॉक्टर जाकिर ने फूड मैसेज करते हैं जीमेल करते हैं मेल करने के बाद डॉक्टर जाकिर ने जाते हैं 2001 के साल में शिकागो में था वो साउथ अमेरिका में था तो पहला मौका जाकर मिला डॉक्टर उलिंग केंबल को जो उसने बोला है मुकाबले में जो डिबेट उसको जो बैसिस उसको अपोजिट ला उसका सवाल करते हैं और सब पूरा करते हैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब बाद में डॉक्टर जाकिर नायक ने 20 ऐसी बार साइंटिफिक अपोजिट निकाल दी साइंटिफिक से नहीं मिलते जो नेगेटिव है साइंटिफिक से उल्टे है ऐसे बीस बार से निकल दी जिसका जवाब उलिंग कैम्बेल के पास नहीं, नहीं, नहीं था ये मैं नहीं कह रहा हूँ आप शायद तो देख सकते हो वीडियो तो शायद घंटे अठारह मिनट ये तीन ट्रांसलेशन किए हुए वो ये वीडियो को इंग्लिश में भी है बंगले में भी है हिंदी में भी है